वरना मार्केट के उतार चढ़ाव से हो जाएगी नींद हराम। विनोद ग्रुप ऑफ कंपनीज, योर प्लस इज आवर स्ट्रेंथ। सीएनबीसी आवाज पर कही गई हर बात का असर पड़ता है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर, इसलिए मार्केट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम, सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर वन बिजनेस चैनल। ये है TV18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम एक्सरे रिपोर्ट के साथ। हमारे इस खास शो में हम कंपनियों की गहरी जांच करते हैं और कंपनी के कामकाज की पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। हमारी इस पहल की कोशिश ये बताने की है कि आपकी कंपनी आपके प्रति कितनी जवाबदेह है, जिससे आपको इन कंपनियों में निवेश करने का फैसला लेने में आसानी हो। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक्सरे निकालते हैं देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी सुजलॉन का। सुजलॉन दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी है, लेकिन जितनी बड़ी यह कंपनी है उतनी ही बड़ी इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। यह कंपनी हमेशा खबरों में रही, पहले अच्छी और हाल के वर्षों में बुरी खबरों की वजह से। कंपनी के चेयरमैन तुलसी तांती ने सुजलॉन को बनाने का जब फैसला किया तब विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए काफी नया था। उस वक्त भारत में बिजनेस करना सिर्फ बड़े कारोबारी घरानों का ही हक समझा जाता था, लेकिन टाटा, बिरला और अंबानी से अलग गुजरात के एक छोटे से टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर ने एक बड़ा सपना देखा। आइए आपको बताते हैं कौन है सुजलॉन के तांती साहब और क्या है इनकी समस्याएं। तुलसी तांती एक बिजनेसमैन, एक लीडर, एक विजनरी। 1995 में महज 20 लोगों के साथ कंपनी की शुरुआत करने के वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी ये कंपनी इतनी जल्दी एक बड़ी ग्लोबल प्लेयर बन जाएगी, लेकिन तुलसी तांती के दिमाग में ये तस्वीर साफ थी। पहले ही दिन से उन्होंने अपनी कंपनी को एक बड़ी ग्लोबल कंपनी बनाने का सपना देखा और पिछले एक दशक में वो सुजलॉन को उन मार्केट में ले गए जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टास जैसी बड़ी कंपनियों का दबदबा था। वैसे तांति बहुत ही स्मार्ट और क्लियर थिंकर आदमी है। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, टेक्सटाइल कंपनी से विंड एनर्जी कंपनी, जो कि आज के तारीख में वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 विंड एनर्जी कंपनीज में से है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। बिजनेस में मिली शानदार कामयाबी ने तांति को देश विदेश में भारी शोहरत दिलवाई। फोर्ब्स ने उन्हें द विंड मैन कहा तो टाइम मैगजीन ने हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट, इकोनॉमिस्ट ने उन्हें बेस्ट रिन्यूएबल मैन ऑफ द डिकेड के खिताब से नवाजा तो यूनाइटेड नेशंस ने चैंपियन ऑफ द अर्थ के खिताब से। बहुत लोग ऐसे थे जो तांती में भारी संभावनाएं देखते थे, लेकिन लगता है कि बाद में बिजनेस सेंस और बड़ा बनने के एम्बिशन के बीच तांती बैलेंस नहीं बना पाए। शुरू से ही बहुत बड़ा एम्बिशन रहा है कि इंडिया में बैठ के ग्लोबल कंपनी बनाएंगे। कहीं तो ऐसा हुआ कि वो एम्बिशन थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया था कंपनी को लेके, और इसीलिए कंपनी को दिक्कतें फेस करनी पड़ी। सुजलॉन को ग्लोबल कंपनी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तांती ने कई बड़े एक्विजिशन किए और इसके लिए काफी मोटा कर्ज भी उठाया। कंपनी के साइज को देखते हुए 2007 की तेजी में ये लोन बहुत बड़े नहीं दिखते थे, लेकिन बाजार की तेजी बहुत दिन नहीं चली। उन दिनों में कंपनी का मार्केट कैप हुआ करते थे लगभग 60,000 करोड़ की। सो कंपनी सोचते थे कि 60,000 करोड़ की कंपनी है तो 10,000 करोड़ की कंपनी एक्विजिशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट यह है कि वो शेयर प्राइस नीचे आते आते लगभग वो मार्केट कैप कंपनी का बन गया केवल 4,000 करोड़। बट लेकिन इस चक्कर में कोई जो लोन लिया गया वो लगभग 12,000 करोड़ की, वो तो लोन वैसे रह गया। सो आज के दिन में कंपनी के जो लोन है वो मार्केट कैप से 3 गुना है। सुजलॉन को दूसरे फ्रंट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2008 में कंपनी के विंडमिल्स के ब्लेड्स में क्रैक्स की खबरें आईं। इसके बाद एक बड़े कस्टमर ने सुजलॉन को दिया अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस क्राइसिस से निकलने में सुजलॉन को 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। जैसे ही तुलसी तांती को ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और कंपनी अपनी ग्रोथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है, तभी दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो गई।
अमेरिकी इकोनॉमी में भारी मंदी आई और सुजलॉन की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। जब मार्केट्स खराब हो गए, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, तो कोई भी नए ऑर्डर्स उनको मिले नहीं। तो जैसा तांती भाई कह रहे थे कि 6 महीना तो उनको लग गया ये समझने के लिए कि बाकी मार्केट में ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बाद उनको लगा कि अभी यूरोप और यूएस से कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकता। हालांकि तुलसी तांती ने हिम्मत नहीं हारी। अभी भी अगर आप तांती भाई से मिलेंगे तो देखेंगे कि अभी भी उतना ही यू नो स्पिरिट है कि मैं कंपनी को बचा सकता हूँ। पिछले अगर 3 साल में आप देखें तो ऑलमोस्ट 2008 में बैंक्रप्टसी का पोजीशन था कंपनी का। काफी लोग कह भी रहे थे कि बैंक्रप्ट हो जाएगी, बट कुछ भी करके उन्होंने कंपनी को बचाया तो सही। इस वक्त हाल यह है कि कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपए का है और उसके ऊपर कर्ज 11000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यह स्थिति आई क्यों? कंपनी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण कर्ज बढ़ता गया और निवेशक उससे दूर होते चले गए? सुजलॉन को ग्लोबल कंपनी बनाने की कोशिश में तुलसी तांती ने 2006-07 के बुल मार्केट में कई बड़े फैसले लिए। तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सुजलॉन को अपनी विंड मिल्स के लिए गियर बॉक्सेस की जरूरत थी। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सुजलॉन ने 2006 में बेल्जियम की गियर बॉक्स बनाने वाली कंपनी हेंसन को खरीदा। इस सौदे को पूरा करने के लिए सुजलॉन ने 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा भी किया। काफी बड़ी गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए काफी अच्छी कंपनी थी, क्योंकि जब सुजलॉन काफी तेजी से ग्रो कर रहा था तो गियर बॉक्स की काफी शॉर्टेज थी। सो स्ट्रेटेजिकली एकदम बढ़िया एक्विजिशन था कंपनी के लिए। उसके बाद जब तांत्री भाई ने सोचा कि हम आरी पावर को अक्वायर करेंगे, आरी पावर ऑफशोर और ऑनशोर टर्बाइन्स में काफी अच्छी कंपनी थी, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस थी। So, ऐसा लग रहा था कि एक्विजिशन एकदम बढ़िया है। तुलसी तांती की यही गलती थी जो उनके लिए काफी महंगी साबित हुई। सुजलॉन ने आरी पावर का एक्विजिशन ये सोचकर किया था कि इस डील के बाद उसे उस कंपनी की टेक्नोलॉजी हासिल होगी जिसे वो इंडिया लाएंगे और सस्ते दामों पर अच्छी टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। लेकिन जर्मनी का कानून इस मामले में काफी कड़ा है। जर्मन कानून के मुताबिक जब तक कोई विदेशी कंपनी जर्मनी की किसी कंपनी का 100% एक्विजिशन नहीं करती, तब तक उन्हें जर्मन कंपनी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। सुजलॉन ने आरी पावर के लिए कर्ज तो बढ़ा लिया, लेकिन उसके बदले में जिस टेक्नोलॉजी की वो आस लगाए बैठे थे वो उन्हें नहीं मिली। ऑर्डर्स अटके रहे, कर्ज बढ़ता रहा। एक्सपर्ट्स को चिंता है कि पिछले 3 क्वार्टर से सुजलॉन जो मुनाफा दिखा रही है वो उसे इस कर्ज के पहाड़ से निकालने में कामयाब नहीं हो पाएगी। अभी अगर हम कंपनी की हालात देखें तो प्रिकेरियस कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें एक 11000 करोड़ से ज्यादा डेट को सर्विस करना है और उनके पास अभी ऑर्डर्स, फिलहाल ऑर्डर्स है, लेकिन वो किस प्रकार से उसे एग्जीक्यूट करता है और किस प्रकार से उनकी प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड आगे आती है उसको लेके पता चलेगा कि कंपनी कितने समय में अपने आप को सुधार सकती है। जिस सुधार की बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं उसे करने में कंपनी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और अब कंपनी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है FCCBs की, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। कंपनी को अगले साल मार्च से FCCBs की रीपेमेंट शुरू करनी है। जो कन्वर्जन प्राइस है, उस कन्वर्जन प्राइस से उनकी करंट मार्केट प्राइस काफी नीचे चल रही है और इस हिसाब से ऐसी सिचुएशन आएगी कि कंपनी को वो FCCB रिडीम करना पड़े। हमने एक्सपर्ट्स की इस चिंता को सुजलॉन के CFO रॉबिन बैनर्जी के सामने रखा। देश के किसी भी टेलीविजन चैनल को दिया गया यह उनका पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। CNBC आवाज ने उनसे पूछा कि FCCBs के रीपेमेंट्स को लेकर एक्सपर्ट्स की चिंता कितनी जायज है। नाउ यू मस्ट रियलाइज FCCBs इज एक्चुअली अ क्वाज़ाई डेट और क्वाज़ाई इक्विटी। It should normally get converted into equity shares. However, if it does not happen, should share prices do not match up to the so-called expected conversion prices, then we have several options to handle the FCCBs.
we would be working and we are working on as to how to meet these obligations. Should, however, these debts or these FCCBs does not get normally converted in due course of time. कंपनी कितनी भी कॉन्फिडेंट हो, सच ये है कि जब तक निवेशक ये ना समझे कि शेयर प्राइस लाइफ टाइम लो के पास होने की स्थिति में कंपनी एफसीसीबीज का क्या करेगी, तब तक उनकी चिंता तो जायज है। सिर्फ कर्ज ही नहीं, कंपटीशन भी कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ये आ रहा है चीन से। कैसे, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इसे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटर वेयर। हिमावली, कोठारी हिमावली विंटर वेयर, अंदर से गर्म बाहर से नरम। हिमावली। The new Android smartphones with preloaded internet from MTS. Increase your social influence, increase your red energy. Hey! I'm a self-made man. बीवी कहती है आई एम अ वो क्या कहते हैं रॉक क्लाइंबर ट्रैप्ड इन अ सूट। लेकिन स्टॉक ट्रैकिंग खुद करना आजकल टफ है बॉस। मार्केट्स बिजार, यूरोप में किसी को हिचकी लगी, इधर मार्केट की सांस रुकी। कल तक जिसको ड्रीम स्टॉक कहा जा रहा था वही आज नाइटमेयर बन गया। बट आई एम ग्लैड आई फाउंड एंजल ब्रोकिंग, दे अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स मार्केट एंड आई एम स्टिल अ सेल्फ मेड मैन बट विद एन इक्वल पार्टनर फॉर माई पोर्टफोलियो। एंजल ब्रोकिंग, इन डेप्थ एनालिसिस, प्रिसाइज एडवाइस। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज फिर से वो मुस्कुराएगी, आज फिर से सबकी नजर उन पर जाएगी, आज फिर से वो कहेगी मुझे जिंदगी से प्यार है। बंसल